वेलकम टू माई चैनल देवांग विद कैब्स। तो आज के वीडियो में मैं जा रहा हूँ राजस्थान मुंबई से। तो फर्स्ट वीडियो आज का होगा उदयपुर का, तो इधर से मैं मुंबई से ट्रेन पकड़ के उदयपुर उतरूंगा। तो उसके बाद और भी और प्लेसेस आएंगे, तो उसके बाद के वीडियोस भी देखते रहना। ये एक बैग है मेरी, फिर बाद में एक स्लिंग बैग ली है और ये एक पीछे की एक बैग है। अभी निकलते हैं। बोरीवली स्टेशन पे आ गए, अभी इधर से ट्रेन उदयपुर एक्सप्रेस हम लोग की, उधर से हम लोग सीधा भी उदयपुर उतरेंगे। ट्रेन में चढ़ तो गए हैं, पर हम लोग चार जन का आ रही थी, दो ही सीट मिला है चार जन के लिए, तो अभी वही सब चल रहे हैं। हम लोग का सीट खत्म हो गया है, दो अलग अलग अभी सोते हैं। हम लोग उतर गए उदयपुर स्टेशन, 16 आवर्स का ट्रेन टाइमिंग हो गया, अभी ढूंढते होटल। तो इधर उदयपुर स्टेशन पे इधर ऐसा एक स्क्रीन है, उसमें तुम लोग देख सकते हो टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस, उसमें सब इन्फॉर्मेशन भी है। दिखाए मांझू, देखो ऐसे सिटी पैलेस के बारे में दिखाया है, जगदीश मंदिर, इसमें सब कुछ दिखाया है, स्टेशन एमिनिटीज, PNR इंक्वायरी, ट्रेन पोजिशन, फिर टूरिस्ट प्लेसेस, इसमें से टूरिस्ट प्लेसेस में देखने का। फुल हेल्पफुल था, मतलब जिसको नए लोग आए हैं, जिसको कुछ पता नहीं है क्या घूमना है, तो मतलब अच्छा है, टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में पता चलता है कौन से है इधर, और फिर बाद में उसका पूरा इन्फॉर्मेशन भी है कैसे जाने का, कितना दूर है वो सब। तो नाइस उदयपुर सिटी। तो इधर स्टेशन के इधर लिफ्ट भी है, सब लिफ्ट से ऊपर जाएंगे, सब सामान उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी हमने उदयपुर स्टेशन से हॉस्टल तक का टमटम रिक्शा ले लिया, चारों जन का सब सामान भी भर दिया इसके अंदर ही, 100 रुपीज लिया, मतलब 25 पर सीट, तो अच्छा। तो अभी हम लोगों ने बैकपैकर्स पांडा हॉस्टल में चेक इन कर लिया, हम लोग को पर पर्सन 200 रुपीज का रूम पड़ा है। इधर नीचे सामान रखने के लिए ये भी है लॉकर जैसा, और हम लोग के डॉर्मेटरी रूम के अंदर ही टॉयलेट और बाथरूम अटैच्ड है, और काफ़ी क्लीन भी है। सबसे बेस्ट बात तो इधर क्या है, इधर हम लोग के बाजू में ही लेक है, और हम लोग की बालकनी भी है, तो बालकनी से लेक व्यू भी दिखता है, तो बहुत अच्छा डील मिल गया 200 में। द नेक्स्ट डे इन उदयपुर नाउ, तो इट्स 7:05 AM, तो अभी तक सनराइज तो हुआ नहीं है, तो व्यू बहुत अच्छा दिख रहा है, अभी लेक है इधर पूरा, तो अभी बैठते हम लोग फ्रेश वेश हो गए। हम लोग के बैकपैकर हॉस्टल है ना, उसके सामने ही मतलब स्टॉल टाइप है, होटल टाइप है, इधर नाश्ता भी मिलता है, कॉफ़ी चाय भी मिलता है, तो अभी मैंने ब्लैक कॉफ़ी लिया है। मैं घर से मैंने कॉफ़ी का डब्बा लेके आया था, उसके लिए मैंने सिर्फ पानी लिया 10 रुपये का, उसके अंदर मैंने ब्लैक कॉफ़ी डाल के पी लिया, चाय ली है, चाय 20 रुपये की मिलती है, काफ़ी अच्छी है चाय। तो अभी हम लोग इधर ऑन बाइक्स करके इधर है उदयपुर, हम लोग के हॉस्टल के बाजू में ही है। हम लोग को बाहर हम लोगों ने बहुत सारा रेट पूछा एक्टिवा और सबका बाइक का, तो हम लोग को 300 पर एक्टिवा मिला था, पर इधर हमने ऑन में पूछा तो उसने 250 पर एक्टिवा बोला ऑफलाइन में, और फिर बाद में हम लोगों ने ऑनलाइन चेक किया 386 हुआ हम लोग का टोटल दो एक्टिवा का। तो अभी हेलमेट देंगे साथ में, और अपना पेट्रोल खुद से भरना है, ID प्रूफ एक जमा करना होता है, और लाइसेंस चेक कराने के लिए देने का होता है, उतना ही है बस। तो उसके बाद एक्टिवा लेके हेलमेट लेके निकलो, पेट्रोल पंप जाने का पेट्रोल देंगे, तो अभी रजिस्ट्रेशन करते हैं उधर। एक्टिवा ले लिए ये भाई ने, हमें को दिया है एक्टिवा, नाम बता दो आपका, विजय बंधु के पास ऑन मिल जाएगा आपको, ऑन सारे तो उन्होंने एक्टिवा ले लिए, हिमांशु चला रहा है अभी, पीछे बैठा हूँ, पहले इधर से नाश्ता करने जाएंगे, कहाँ पे जाना है। अभी इधर हम लोगों ने कचौरी ले ली है, दही कचौरी 20 की, कैसी लगी कचौरी?
अभी हम लोग पैकिंग करके रखना बाकी नहीं है ना, सब कुछ पैक करके नीचे रिसेप्शन के साथ सामान रखने वाले हैं, तो उधर से एक्टिवा लेके निकलेंगे, फिर जब हो जाएगा एक्टिवा शाम तक घूम के, तो उसके बाद सब सामान इधर से लेके निकलेंगे। अभी हम लोगों ने इधर बैकपैकर पांडा हॉस्टल से चेकआउट कर लिया है, तो इधर से जा रहे हैं एक्टिवा पे, निकल रहे हैं अपना घूमने को उदयपुर। चलते पहले अभी पेट्रोल पंप जाएंगे, पेट्रोल भरेंगे क्योंकि पेट्रोल इसमें। अभी हम लोग इधर पेट्रोल भरने को आए, 100 रुपये का पेट्रोल भरा है क्योंकि पेट्रोल पहले से मिलता नहीं है। अभी 100 रुपये का पेट्रोल में पूरा उदयपुर हो जाएगा, तो 100 रुपये में एक में सौ का भर दिया। 76 रुपीज़ का ही भाव है इधर, ज़्यादा मुंबई से 1-2 रुपया कम है शायद। अभी हम लोग इधर दाल बाटी और पूरी भाजी खाने को रुके थे, 30 रुपीज़ का पूरी भाजी और 30 रुपीज़ का दाल बाटी। अभी इधर से जा रहे हैं सिटी पैलेस। अभी हम लोग सिटी पैलेस पहुंच गए, इधर से टिकट बुक कर लिया है। टिकट 100 रुपीज़ का एक जन का पड़ा है, एक्चुअली 300 रुपीज़ का प्राइस है एक अडल्ट का प्राइस। तो हम लोग का स्टूडेंट आईडी कार्ड था, उसके लिए 100 रुपीज़ पर पर्सन पड़ा है। तो हम लोग सिटी पैलेस के एंटर कर रहे हैं। इधर व्यू दिख रहा है, इधर मस्त सा उधर आए। गाइड भी मिलता है, मतलब एक हेडफोन्स लगा के देते हैं और एक कंसोल रहता है हाथ में, तो इधर हर जगह पे नंबर्स लिखे हुए हैं, तो वो नंबर का जो कंसोल पे बटन दबाओगे तो ऑडियो में पता चलेगा, वो लोग बोलते हैं उसमें, सब गाइड देते हैं ऐसा। जो सब जगह वो छोटा छोटा सा है, तो झुक के जाना पड़ता है। सिटी पैलेस इज बेसिकली द पैलेस जहाँ मेवाड़ डायनेस्टी के महाराजाज रहते थे। पूरा सिटी पैलेस मार्बल्स और ग्रेनाइट से बना हुआ है, और उसके अंदर अंदर फिर बाद में ऐसे कांच की बुर्ज जिसमें ग्लास और मिरर वर्क किया हुआ है, ऐसे अंदर अंदर बहुत कलरफुल भी एकदम, मतलब फोटोज वोटोज खींचने के लिए बहुत अच्छी प्लेस है। व्यू भी बहुत अच्छा दिखता है वहाँ से बाहर का। ऐसा पूरा महल बनने के लिए 400 ईयर्स लग गए थे। पैलेस का जो इंटीरियर है वो मतलब मिक्स फ्यूजन है राजस्थानी एंड मुगल आर्किटेक्चर का। ये जो टॉयलेट है वो स्पेशली लंदन से ऑर्डर किया गया था, बिकॉज वन ऑफ द किंग्स वाज हैंडीकैप्ड। पूरा पैलेस घूमने के लिए आराम से 2 आवर्स लग जाते, तो अकॉर्डिंगली आना है। काफी लंबे लंबे कॉरिडोर्स और ऐसे डीप स्टेयर्स है पैलेस के अंदर पूरे। फिर हम लोग पूरा अंदर सिटी पैलेस घूम के हो गए, 1 घंटे के ऊपर चला गया है, अभी जाते हैं बाहर। फिर हम लोग लेक पैलेस के बाहर निकल गए, आगे दूसरी जगह जाते हैं अभी। तो अभी हम लोग सिटी पैलेस के बाद जगदीश टेम्पल आया, जो सिटी पैलेस के एकदम बाजू में है। टाइमिंग्स ऐसा है, इधर समर टाइम विंटर टाइम। अभी हम लोग सहेलियों की बारी आए उस जगदीश टेम्पल के बाद। अरे मावा कुल्फी लिया है, बहुत मस्त है इधर, 20 रुपीज़ का। अपने मुंबई वाली कुल्फी ऐसी लगती ही नहीं है, बहुत अलग है। अभी हम लोग सहेलियों की बारी के अंदर आ गए। तो इधर ये सहेलियों की बारी में जो राजा था उसकी 48 रानियां थी, वो आती थी इधर घूमने को, राजा ने उसके लिए बनाया था ये। और इधर का पानी जो आता है वो फतेहपुर लेक है इसके पीछे, उधर से ही आता है। तो अभी मैं हम लोग का सब कुछ हो गया घूम के, हमने एक्टिवा भी वापस दे दिया, तो मैं अमराई घाट जा रहा हूँ। बाहर निकल के एक वेंडर को भी पूछा इधर आसपास चल के घूमने की क्या जगह, तो मैंने भी बोला कि अमराई घाट बहुत अच्छा है, तो अभी अमराई घाट जाते हैं। मैं इधर अम्बराई घाट के इधर आया था, इधर इस तरफ है सिटी पैलेस, इधर एक होटल है ताज का, सॉरी दो होटल है इधर, और इस तरफ बाकी पूरा सिटी जो है। अभी मैं इधर घूम रहा था, तो इधर मेरे को गिटार का आवाज़ आ गया, तो मैं इन लोगों के साथ आ गया इधर। है बहुत अच्छा लगा आपने, आपने बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आ गया। 3-4 गाड़ी मस्त एकदम धमाके ले लिए,
अभी मेरा टाइम हो गया निकलने, मेरे दोस्त फोन कर रहे हैं, मैं निकल रहा हूँ वापस जा रहा हूँ हॉस्टल की तरफ, फिर बाद में निकलेंगे जोधपुर के लिए। पूरा फाइनल चेकआउट कर लिया हम लोग हॉस्टल से, हम लोग चेकआउट तो सुबह कर लिया था, पर अभी सब सामान लेके भी हम लोग निकल रहे हैं जोधपुर के लिए बस लेने के लिए। तो अभी बस स्टैंड पे अभी हम लोगों ने उदयपुर से जोधपुर के लिए बस में चढ़ गए, तो उदयपुर का वीडियो इधर ही खत्म। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना और कमेंट कर देना, कुछ मिसिंग रहा है कुछ भी बोलना होगा तो। और इसके बाद जोधपुर जैसलमेर जयपुर सब जाएंगे तो उसके लिए सब्सक्राइब कर दो, आगे की वीडियो देखना। अभी जाके बैठते हैं बस में, मेरा दोस्त बैठ गए सब, मेरे बैठ गए। चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए, इतना मैं प्यार करा एक पल विच सौ बार करा, तू जावे जे मैनू छड़ के मौत दा इंतजार करा। तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है तुझ से ही सांस आके रुके, मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके। तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है तुझ पे ही सांस आके रुके, मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके। ले जाए जाने कहाँ न मुझको खबर न मुझको पता, ओ, 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 मजा आ गया। भाई मेरी इज्जत।